नमस्ते अशोक जी। जी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी ऑफिस में काम कर रहा है, अगर उस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाता है या उसके साथ कोई भी फैकल्टी हो जाती है, तो फिर क्या वो आरटीआई खुद से या किसी और से मूव करवा सकता है? भारत का कोई भी नागरिक जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन धारा 6 के प्रावधान का उपयोग करते हुए सूचना जो मांग रहा है उसको विशिष्टीकृत करते हुए समुचित फीस देते हुए सूचनाएं मांग सकता है, सूचनाएं प्राप्त करने को उसका अधिकार है। जन सूचना अधिकार अधिनियम इसलिए नहीं बना है कि कोई व्यक्ति उसको उपयोग करते हुए व्यक्तिगत दुश्मनी अदा करे या अपने किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए डिपार्टमेंट के किसी को हैरेस करे, इसलिए नहीं बना है। इसी से मिलता जुलता हूबहू केस उमा कांति एंड रमेश चंद्र का केस केंद्रीय सूचना आयोग में आया। जन सूचना अधिकारी ने जो जन सूचना आवेदन गया था उसका कोई जवाब नहीं दिया था। रेस्पोंडेंट के रूप में जन सूचना अधिकारी गए तो उन्होंने कहा, साहब ये तो सिर्फ एक आरटीआई एप्लीकेशन के अगेंस्ट इनकी अपील है, इनकी 188 पेजेस की आरटीआई है, यानी 188 आरटीआई है जिसमें 375 आइटम है, मतलब इतने बिंदुओं की सूचना देनी है। और यही नहीं है साहब, इनमें 141 पेज का इन्होंने स्वयं से प्रोफार्मा बना के दिया है कि इसी प्रोफार्मा पर हमको सूचना चाहिए। और सूचनाएं इनकी ऐसी हैं कि 20 साल पूर्व से लेकर के एक एक आइटम पर, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टाफ है उसमें सबके एसीआर की कॉपी, कितने लोगों को स्कूटर एडवांस दिया गया 20 साल से या 1996 से अब तक, इस तरह से एक एक फैकल्टी को लेते हुए इन्होंने दिया हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग ने होल्ड किया कि वास्तव में उमा कांति और रमेश चंद्र वर्सेस नवोदय विद्यालय का जो केस है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फकीर चंद वनाम नॉर्दर्न वेस्ट रेलवे बीकानेर, और यहां पर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा ये वर्स्ट पोजीशन है, मिसयूज ऑफ आरटीआई है, मिसयूज ऑफ प्रोसेस है। आरटीआई इसलिए नहीं बनी है कि आप विभाग के कर्मचारी हैं इसलिए आपको छूट है। आरटीआई एक्ट जो सामान्य नागरिक हैं उनको इंपावर करने के लिए आया हुआ है, चूंकि आप उसी विभाग में हैं, आप भी आरटीआई के इंप्लीमेंटेशन के एक पार्ट हैं और आप भूमिका निभाने के बजाय आप स्वयं नागरिक के रूप में बाधा पैदा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, कभी अपने नाम से कभी अपनी पत्नी के नाम से। और इस तरह से दोनों अपील के माननीय केंद्रीय सूचना आयोग ने खारिज कर दिया। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस आरटीआई के जो दुरुपयोग होते हैं इसे हम रोक सकते हैं किसी भी तरह से? देखिए, नैतिकता के रूप में ही हम रोक सकते हैं। जब आप आरटीआई की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जो दायित्व तो आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं, कर्तव्य की, एक भारत का सभ्य नागरिक होने के नाते आप पर भी वही दायित्व है। पर्सनल वेंडेटा के लिए आरटीआई को टूल के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरा तरीका, जैसा केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आरटीआई एक्ट में प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए प्रावधान होना चाहिए, तो चूंकि नीतिगत विषय है ये, सरकारों को ही करना है, सरकार को निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये कदम उठाने ही पड़ेंगे, वरना भ्रष्टाचार इससे और बढ़ने के चांसेस रहेंगे। यद्यपि आरटीआई ने भ्रष्टाचार को काफी खत्म किया है, बहुत सारे विभाग सुधरे हैं। धन्यवाद अशोक जी आपका इस विषय पर जानकारी देने के लिए। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।